हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, केन्या ने किस देश को हराकर UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है? केन्या ने किस देश को हराकर UNSC में अफ्रीकी सीट जीती है? चार ऑप्शंस हैं, मोरक्को, जिबूती, सूडान और ब्राज़ील। UNSC क्या है? तो ये UNSC है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसकी एक ही सीट थी, एक ही अफ्रीकी सीट थी, और ये अफ्रीकी सीट जीत ली है केन्या ने जीती है, और जिबूती देश को हराकर केन्या ने UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक अफ्रीकन सीट जीत ली है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किसने किया है? स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी जिसका नाम है, उसका अधिग्रहण किसने किया है? चार ऑप्शन हैं, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक ने स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने महीने बढ़ा दिया है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PMC यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध कितने महीने बढ़ा दिया है? तो पहले इस बैंक पर प्रतिबंध था कि पहले सिर्फ यहाँ 50,000 रुपये तक की निकासी हो सकती थी, और अब इसे बढ़ाकर 1,00,000 तक कर दिया गया, और यह प्रतिबंध 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी का कितना विभत्स रूप देखने को मिल रहा है, इससे सभी लोग, आमजन कितना डरा हुआ है और कितनी तबाही फैली हुई है इस कोविड-19 की वजह से। ऐसे में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? चार ऑप्शंस हैं, कर्नाटक बैंक, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक। तो यह जो हेल्थ पॉलिसी है, इसे लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक ने, इसके अंतर्गत हॉस्पिटल जो भी कोविड पेशेंट के हॉस्पिटल के खर्चों पर 3,00,000 का कवर दिया जाएगा, और OPD के खर्चों पर 3,000 का कवर दिया जाएगा, और साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर्स में जिन पेशेंट्स को 14 डेज का क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो उस क्वारंटाइन रहने में जो पर डे खर्चे आते हैं, उनमें पर डे 14 डेज पर डे 1,000 रुपीज़ का कवर दिया जाएगा। तो इस हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च करने वाली कंपनी है कर्नाटका बैंक। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फंड WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? चार ऑप्शन हैं, सुनील शेट्टी, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और विश्वनाथन आनंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और ये इसकी स्थापना हुई, WWF की स्थापना हुई थी 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और विश्वनाथन आनंद की एक किताब आई थी अभी, माइंड मास्टर। विश्वनाथन आनंद की एक बुक आई थी माइंड मास्टर।
आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन पहले स्थान पर रहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? चार ऑप्शंस हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और नॉर्वे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्वीडन। जी हाँ, स्वीडन पहले नंबर पर रहा ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में, पहले पोजीशन पे स्वीडन रहा। और हमारे इंडिया की क्या पोजीशन है? तो हमारे इंडिया की पोजीशन है 74th रैंक इंडिया की थी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापत्तनम गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? विशाखापत्तनम गैस त्रासदी आप सभी को याद होगी, अभी 2020 में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी हुई थी। तो इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? चार ऑप्शंस हैं, स्टाइरीन गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टाइरीन गैस। स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था और ये विशाखापट्टनम गैस त्रासदी हुई थी 2020 में। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में और ये हुआ था 1984 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दी है। कोरोना वायरस की पहली दवा जिसको मैन्युफैक्चर करने का और मार्केटिंग करने की अनुमति ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दी है, वो दवा कौन सी है आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस हैं, फेबिपिराविर, रेमडेसिविर, यूमीफेबोविर, ANB। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेबिपिराविर। इस दवा, यह कोरोना वायरस की संभावित पहली दवा है जिसे कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की अनुमति दे दी है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन 15 जून 2020 को हुआ, उन्हें पद्मश्री किस वर्ष मिला था? आज जैसा कि आप सभी को पता है कि सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का निधन हो गया था पिछले 19 ऑफ जून को उनका निधन हो गया था। उन्हें पद्मश्री किस वर्ष मिला था आपको बताना है। तो उन्हें पद्मश्री मिला था 1992 में और ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली गैर सरकारी चीफ बनी थी। इनका जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में योगदान इतना था कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की चीफ बनी थी, जो कि पहली गैर सरकारी चीफ थी। आए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को कितनी रकम तक के हथियार खरीदने का अधिकार दे दिया है? तो अभी तक जो भी हथियार खरीदने का अधिकार थे वो लिमिटेड थे और अब उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब सेना सरकार के बिना अनुमति के 500 करोड़ तक के हथियार खरीद सकती है। इसके लिए सरकार से किसी भी तरह की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे ज़्यादा के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प के बाद सरकार ने सेना को 500 करोड़ तक के हथियार खरीदने के अधिकार दे दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने कल पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की तरफ। हमारा कल का प्रश्न था, किस देश में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भारत अपनी तीनों सेनाओं के दल को भेजेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। जी हाँ, भारत विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में अपने तीनों सेनाओं के दलों को भेजेगा, यानी कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं को भेजेगा। आइए देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजमोहन वोहरा का 14 जून को कोविड-19 से निधन हो गया, उन्हें कौन सा बड़ा सम्मान मिल चुका है? चार ऑप्शंस हैं, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और भारत रत्न। आप इस क्वेश्चन का आंसर, सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें पराक्रम एकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।